शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जितना मैं समझ पाई हूँ ना इस केस को मैडम, मुझे लगता है आपकी बाइक चुराने वाला इसी थाने का है। या फिर आसपास का कोई है जिसे पता था कि थाने के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि वो बाइक चुराएगा तो किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होगा और वो कॉन्फिडेंटली चुरा कर चला गया। हमको ऐसा लग रहा है तुम्हारे आने से हमारा बाइक भी जल्दी हमारे हाथ लग जाएगा। राजवीर जी, संतु के लिए सिंगाड़े लेकर आओ, बढ़िया वाले। लेकर आते हैं जी। हम क्या कह रहे थे मैडम कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोर किसी दूसरे एरिया का हो और उसको पता ही ना हो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आते जाते किसी ना किसी कैमरे में वो डेफिनेटली कैप्चर होता, लेकिन मैंने सारे कैमरास चेक किए, एक में भी वो कैप्चर नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही है ना मैडम कि घर के किसी भेदी ने लंका ढाई है। वो भेदी हमको मिल जाएगा ना, उसके शरीर में छह की छह गोलियां मार के नए नए छेद कर देंगे। ए मैडम, आपने तो कहा था कि चार ही गोली है, अभी छह कहां से आ गई? ज्यादा टपको मत, बीच में दो साथ लेके चलते हैं। संतु, तुम हमको बताओ कि हमको क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि थाने की और थाने के आसपास की चेकिंग करनी चाहिए, क्या पता शायद कोई सुराग मिल जाए। बात बिल्कुल सही है। आपका कैलेंडर निकलवाए काम करने के लिए, चलिए सबकी सब काम पे। हमने गुस्से में करिश्मा मैडम की बाइक तो चोरी कर ली, लेकिन अगर करिश्मा मैडम ने हमारी चोरी पकड़ ली तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं, हमको नहीं लगता संतु कि हमको यहाँ कुछ मिलेगा। नहीं मैडम, अगर आए तो एक बार खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए देख ही लेते हैं ना। अरे आप ठीक कह रही हैं मैडम, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, हम खुद चेक करके गए हैं ना। चलिए ना, चलते हैं कहीं और देखते हैं। अबे जब मैडम कह रही है उन्हें देखना है तो देखने दो ना। कर पिटलाई करो, खड़े रहो चुपचाप। कैमरा मैडम कहाँ पे? मैडम वो देखिए, वहां है कैमरा। अगर चोर यहाँ पे आया आपकी बाइक चुराने के लिए तो डेफिनेटली उसमें कैप्चर हुआ होगा। अरे मैडम क्या है ना, सुनिए, आजकल लोग फैशन से भी कैमरा लगा लेते हैं। अब ये सब काम भी कर रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता। अब देखिए ना, अपने थाना का कैमरा काम करता है नहीं करता है? इतना तेजी तुम यहाँ दिखा रहे हो, इतना तेजी केस सॉल्व करने में दिखाया होता ना तो हमारा बाइक हमारे सामने होता अभी। राजवीर तुम बस, मेरा बस, मैं जाता हूँ और वो फुटेज लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया, जाइए। मैं हूँ ना। संतु, हमारे बाइक का नंबर प्लेट, मतलब बाइक जरूर नहीं सही गया है। इसकी मैया का सासू मैया, अगर हमारे बाइक के एक भी पुर्जे को कुछ हुआ ना तो हम उस इंसान के सारे पुर्जे हिला देंगे। मैडम सर कहाँ है भाई? मैडम सर को बुलाओ। चंपक भैया कहाँ हो, कहाँ हाल चाल है? तुम्हारी भाभी संतु जी वहाँ पर ठीक है ना? अरे भाई वो बिल्कुल ठीक है, हम ठीक नहीं, हम बहुत मुसीबत में। मैडम सर को बुला दो। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, हमको बचा लीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। एक मिनट चीता,
क्या हुआ? किससे बचाना है तुम्हें? करिश्मा मैडम से हमको बचा लीजिए, नहीं तो वो अपने बंदूक की चारों गोली हमारी खोपड़ी में उतार देगी। मैडम सर हमको बचा लीजिए, मैडम सर हमको बचा लीजिए। उठो 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 तुम। मैडम सर हमको बचा लीजिए, मैडम सर हमको बचा लीजिए। देखा 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 मैडम सर, आपने हमने कहा था हमारी बहुरानी का दिमाग बहुत तपा हुआ है। हे भगवान, आप भले ही हम पर वो मुर्गे की आत्मा फिर से चढ़ा दीजिए, मगर हमारे बहुरानी के सर पर जो अकेले थाना चलाने का भूत सवार है ना, उसे उतार दीजिए। क्या हुआ करिश्मा सिंह, क्यों मार देंगी तुम्हें? वो करिश्मा मैडम का बाइक चुराने वाला कोई और नहीं, हम हैं। तत्काल स्वर्ग का तत्काल टिकट करा लिए चंपक भैया है। चारों धाम का तीर्थ यात्रा किए हुए हैं कि नहीं? कहें कि अब तो मौका मिलने वाला है नहीं, अब करिश्मा मैडम घुस कर जो आपको करेंगी ना। अरे अमर, लोगों की कुंडली पर राहु केतु का बुरा साया होता है, मगर शायद तुम जानते नहीं हो, राहु केतु भी हमारी बहुरानी की कुंडली में आने से कतराते हैं और तुम तो उनसे ही। मैडम सर प्लीज हमको बचा लीजिए, मैडम सर चंपक भैया खड़ा नहीं नंबर दस, सीधे से बतिया रही है ना मैडम सर आपसे, कर रहे हैं गजब यार। क्यों किया ऐसा गलत काम? वो हमने एक छोटा सा मजाक करने की कोशिश की थी मैडम सर। बताइए कैसा इंसान है ये? हाँ, अब तो उनके भौकाल से तुमको साक्षात भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तुमको पता है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमारी बहुरानी को लोगों के कितने ताने सुनने पड़े। वो जो तुमने बाइक चोरी की है ना, वो कहाँ रखे बोलो? बोलिए ना पंचक भैया, सॉरी चंपक भैया। हो गया आप दोनों का? मैडम सर आप दोनों जाइए, वहां जाकर खड़े होइए। चलो जल्दी से आए, चलो। शांति से बताओ, पूरी बात बताओ। मैडम हमने बाइक चोरी करके अपने थाने के पीछे लगा दी थी, लेकिन जब हम बाद में देखने गए तो बाइक वहां नहीं थी, तो सच में चोरी हो गई। क्या सचमुच बाइक चोरी हो गई? हाँ। चंपक हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुमने ये सब सिर्फ मजाक के लिए या मस्ती के लिए नहीं किया, इसके पीछे असली वजह कुछ और है। वो क्या है मैडम कि करिश्मा मैडम 15 दिनों के लिए हमारे थाने में आई और आते ही हम पे फौजगिरी दिखाने लग गई। अब बताइए मैडम सर, हम एक मर्द होके औरत की ड्यूटी कैसे बजाते हैं? हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। मैडम देखिए हम किसे लेकर आए, और ये देखिए हमें क्या मिला। ये तुमको कहाँ मिला? हम चोर बाजार गए थे मैडम आपकी बाइक का फोटो लेने, सारी छानबीन करने के लिए, और वहां पर हमें इसकी दुकान पर ये स्पीडोमीटर ऐसा लटका हुआ दिखाई दिया। हमें लगा था मैडम इस पे स्टिकर दे। हाँ ये स्टिकर हमारी बाइक का है भाई। तो कहाँ है हमारा बाइक, कहाँ है हमारा बाइक? मैडम हम तो एक साधारण से दुकानदार है जो सेकंड हैंड सामान पे डील करते हैं, और ये स्पीडोमीटर तो हमें कबाड़ी वाले के पास से लिया था। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने हमारे बाइक का एक एक पुर्जा अलग करके बेच दिया है। ये तुम्हारा जो खटारा जैसा चेहरा ना, इसको इतना तोड़ेंगे हम कि कोई कबाड़ वाला भी नहीं खरीदेगा। समझ लो हमारी बात को, कहाँ है हमारा बाइक? मैडम हम सच कह रहे हैं, अब चाहे तो पूरे बाजार में जाके किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तुम नहीं करते तो कौन करता है फिर? मैडम ये चोरी का सामान लेना और बेचना, ये काम तो पूरा शहर में एक ही आदमी कर सकता है। कौन कौन आदमी बता? अब्दुल, अब्दुल राजवीर, आकाश पाताल सब छान मारो, लेकिन ये अब्दुल भाई हमें हमारी आंखों के सामने चाहिए, और तब तक के लिए स्टोपा को अंदर बंद करो। जैसा आपका हो, चल बे। अरे मैडम की बाइक चोरी छुड़ाएगा? हाँ जब तक संतु सीसीटीवी फुटेज में एक चोर का पता लगा रही है, तब तक हम जाकर ये अब्दुल भाई को जाकर ढूंढते हैं। पर हमको एक बात समझ में नहीं आया। और ये कौन सी बात है मैडम? यही काम हमने चंपक को भी दिया था, तो चंपक को कहीं नहीं दिखाई ये सब, सब टोपा भरे पड़े हैं यहाँ पर। अरे बैठिए बैठिए मिस्टर चंपक, नहीं रहने दीजिए, बैठिए बैठिए आराम से बैठिए जी। तो अब आप चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे, इनफैक्ट मदद नहीं, आप खुद इस केस को अब लीड करेंगे। हाँ क्या? जी हाँ, हम सब आपके अंडर काम करेंगे। अब आप
जल्द से जल्द इस चोर को पकड़िए और हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। तो बताइए, क्या आप इस महिला पुलिस थाने को लीड करेंगे? मैडम सर, ये कौन सा नया पैंतरा आजमा रही है आप केस सुलझाने के लिए? इब्तिदा जज्बात है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? मैडम सर, नहीं नहीं नहीं, हम मैडम सर नहीं, अब आप हमारे सर हैं। हम सब आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप इस केस को लीड कर रहे हैं। तो बताइए, एक बढ़िया सा प्लान बनाइए, और हाँ, अच्छा प्लान बनाना, क्योंकि अब आपके पास टीम भी है, कुर्सी भी है और पावर भी है। मैडम, प्लान बनाना इतना आसान थोड़े ना है। क्यों, आप तो मर्द हैं, प्लान बनाना आपके लिए तो आसान होना चाहिए। देखिए, ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास एक औरत को मर्द से कमतर साबित करने का। एक तरफ करिश्मा सिंह है जो इस केस को सॉल्व कर रही हैं औरत होकर, और एक तरफ आप हैं एक मर्द जो इसी केस को सॉल्व कर रहे हैं। आप बस इस केस को करिश्मा सिंह से पहले सॉल्व कर दीजिए, ये साबित हो जाएगा कि औरतें मर्द को लीड नहीं कर सकती। अरे मैडम सर, हम केस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम तो इस काबिल ही नहीं है। जहनसीब, आपको समझ में तो आया कि आप इस काबिल नहीं हैं। मिस्टर चंपक चौधरी, ये कुर्सी जो है ना, सिर्फ काबिलियत देखती है, जेंडर नहीं देखती। इसलिए आप नहीं, करिश्मा सिंह आपकी इंचार्ज है। समझ गए मैडम सर, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और हम उसे बदलेंगे भी। करिश्मा मैडम आज हमारी वजह से मुसीबत में फंसी है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन आपकी शर्मिंदगी किसी के कुछ काम की नहीं है। जाइए, करिश्मा सिंह की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने में, बाकी सब हम देख लेंगे। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। अब इस बार कोई गड़बड़ मत करना। मैडम, वो जो अब्दुल है ना, जो चोरी की हुई बाइक्स के पार्ट्स बेचता है, करिश्मा मैडम उसको उठा ली है। फिर मैसेज आया। हमें यकीन है करिश्मा सिंह असली चोर तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सीधा सीधा बताओ, क्या काम करते हो? कसम खा के बोल रहा हूँ मैडम, जब से होश संभाला है ना, ऑटो पार्ट्स का ही बिजनेस कर रहा हूँ। क्लच दबा के बता दूंगी गाड़ी कितनी पुरानी है। बर्फ से नीचे उतार दीजिए मैडम, ऊपर रेगिस्तान हो, नीचे मनाली हो रहा हूँ, क्लच दबा के दब दीजिए मैडम प्लीज। तुम्हारा क्लच तो आज कंट्रोल में आएगा। साफ साफ बताओ, ये चोर बाजारी का बिजनेस तुमने कब से स्टार्ट किया है? गैर बॉस की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आपकी बाइक नहीं चुराई और ना ही उसके पार्ट्स निकाले, बल्कि आपकी बाइक की जैसी एक बाइक मुझे एक लड़का बेच के गया है। कौन लड़का? चेहरा देखा है उसका? स्केच बनवा सकते हो उसका? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा मैडम, वो कोरोना, वो मास्क लगा के आया होता मैडम प्लीज। हमारा बात ना कब लाख मुक्कों में बदल जाता है हमको भी पता नहीं चलता है। इससे पहले कि दांत और मुक्का में बदल जाए, हमारी बाइक यहाँ तुरंत मंगाओ, तत्काल की स्पीड में, का समझे? हाँ संतु। मैडम, सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक को लेकर जाते हुए साफ दिख रहा है, पर क्योंकि उसने मास्क और कैप पहनी, उसका फेस क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, वो अब्दुल नहीं बल्कि कोई और है। धन्यवाद। जानकीपुरम थाना से फोन था, जो सीसीटीवी फुटेज में चोर मिला है वो तुम नहीं हो। मतलब तुम जेल नहीं जाओगे तो ये बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बुरी खबर भी है, जब तक तुम हमारे बाइक का एक एक पुर्जा यहाँ मंगवा के हमारा बाइक टनाटन नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें इस बर्फ से जमानत नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए, मैं पुर्जे कहाँ से लाऊं? एक बाइक में हजारों पुर्जे होते हैं मैडम, कुछ बेच दिए, कुछ फिट कर दिए। आप ही बताइए को सब कैसे आपस लेके आएंगे? मेरे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं कि मैं जीन निकले और आपके पुर्जे को मैं मंगवा लूं मैडम प्लीज। चिराग रगड़ो या माथा रगड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमारा बाइक चाहिए। तुम्हारे इस व्यर्थ जीवन को बचाने का तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। मैडम सुनो ना, क्या करूं मैं, जिंदा जिंदा रहने की गर्मी गर्मी चाहिए, दौड़ता हूं दौड़ता हूं, नहीं 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 दौड़ूंगा नहीं, वो मुझे ठंड लग रही है मेरे पास। बाबा वाला जो कपाल भाती।
सोनू आप गुल बोल रही हो? अरे मैं शिमला में नहीं हूँ, मैं दिक्कत में। सुन मेरी बात सुन, 4 दिन पहले जो ब्लू रंग की बाइक के स्पेयर पार्ट बेचे थे ना, हाँ वही वाले, वो कहीं से खरीद ले यार। बोनू को, रवि को, और जितने भी तेरे फंटर है सबको लेके जाओ, खरीद करके राधे श्याम कंपाउंड में आ जाओ। राधे श्याम कंपाउंड जल्दी ला, जो भी मिल गया फिट कर, 2020 मैच की तरफ फिट करके तैयार कर जल्दी से और स्टार्ट कर से तुमको क्या शिक्षा मिलता है? यही कि 100 बार सोचोगे तुम अब से किसी से भी माल खरीदने से पहले, किससे माल खरीदना है, किससे माल नहीं खरीदना है, इस बात का ध्यान रखोगे, समझ गए? और आज के बाद अगर तुम हमें चोरी का माल बेचते हुए नजर आए ना भैया, तो मैया कसम बाइक का तो पता नहीं तुम्हारे सारे पुर्जे हम ढीले कर देंगे और फिर उसको जोड़ते रहना क्लच दबा के। समझ गया मैडम, समझ गया। तौबा, तौबा। पुष्पा जी आपका चाय। पुष्पा जी, इसे गोलगप्पा की तरह काहे मुंह बनाई हुई है भाई? पुष्पा जी, हाँ क्या है जीते? क्या हो गया, काहे से मुंह बनाई है? बाइक चोरी होने की वजह से हम आजकल बहुत तनाव में हैं। चुप रहो ना। बस पुष्पा जी, जिस दिन से संतु जी थाना से गए हैं ना, हम भी बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, क्या बताएं हम आपको। हमें भी संतु की फिक्र हो रही है। फिक्र हो? क्या हुआ है संतु जी को? पुष्पा जी बताते हैं, वहाँ उस दूसरे थाने में एक हेड कांस्टेबल है राजवीर सिंह तोमर, वो जानबूझकर लड़कियों के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें संतु की भी फिक्र हो रही है। मार के ना विनाश फाड़ देंगे राजवीर तोमर का। ऐसे कैसे लड़कियों को लाइन मारता है वो, लड़कियों को गरीब आने का कोशिश करता है? ये बात का हिसाब होगा पुष्पा जी। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा ने अभी अब्दुल और चोर के फोटोज भेजे होंगे, कुछ पिक्चर्स भेजे होंगे, जरा दिखाइए। ठीक मैडम जी, ठीक। आइए आइए। मैडम सर, हमको लगता है थाने के पीछे का फुटेज है और यहीं से वो बाइक निकाल रहा है। और एक सेकंड मैडम, पीर अब्दुल का फोटो। बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये काम अब्दुल का नहीं है। मैडम सर, ये जो कोई भी चोर है कितना बेवकूफ है, देखिए ना, मतलब चोरी कर रहा है मगर कितना आराम से वीडियो देखते देखते मजे ले लेकर ये बाइक की चोरी करने की कोशिश कर रहा है। चीता चतुर्वेदी, एक काम करो,
शहर में या शहर के आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो बाइक चोरी करके बेचने का काम करते हैं, उन सब के बारे में पता लगाओ और इन फोटो से मैच करने की कोशिश करो। देखो क्या पता लगता है। पूरा शहर में हो जाएगा, आसान है। गुड। मैडम सर, मैडम सर देखिए, हम अपना बाइक ढूंढ के ले आए हैं। कमाल का बात है ना, हम दोनों एक ही केस सॉल्व कर रहे थे, पर बाजी मारा किसने? हमने। आज ना हमारे आत्मविश्वास का लेवल ना और बढ़ गया है, भरोसा हो गया हमें कि हम अपने आदर्शों के साथ अपना थाना चला सकते हैं। गुड, कांग्रेचुलेशंस। हमें खुशी है कि आपको अपनी बाइक वापस मिल गई। इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार आपका मार धाड़ का तरीका काम आया। लेकिन एक चीज याद रखिए करिश्मा सिंह, हमेशा ये तरीका काम नहीं आएगा। अब आप जिस ओहदे पर हैं, आपको बैलेंस बनाकर चलना सीख लेना चाहिए। हाँ। क्या पता ये तरीका किस दिन आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। धन्यवाद मैडम सर हमारा फिक्र करने के लिए। याद रखिएगा मैडम सर, जब तक समाज में पुलिस के डंडों का डर है, तब तक जनता और कानून दोनों सुरक्षित है। और जब तक हम हैं, तब तक पुलिस के डंडों का डर बना रहेगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, अब तक तो ये भौकाल मचाती थी, अब तो लगता है तबाही मचा देंगी। नमस्कार दर्शकों, थाने के बाहर से अचानक एक पुलिस वाले की बाइक चोरी हो जाती है और थोड़े ही दिनों में मिल भी जाती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो है चोर। कैसी कमाल की बात है ना, क्राइम से बेखबर पुलिस सो रही है और जनता रो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाज को ऐसी निकम्मी और नाकारा पुलिस की जरूरत है या नहीं। करिश्मा जी, आपने हमारे शो पर नेशनल टेलीविजन पर चोर को बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, लेकिन अभी तक आप चोर को नहीं पकड़ पाई हैं। तो क्या हम ये समझें कि आप में वो काबिलियत नहीं है? करिश्मा जी जवाब दीजिए। करिश्मा जी, देखिए दर्शकों, करिश्मा जी जो कि जानकीपुरम थाने की थाना इंचार्ज हैं, वो अभी तक हमारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं। अम्मा क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये धनंजय तोपा इंसान कहीं का बकलौली कर रहा है कब से। अम्मा करे तो क्या करे, क्या करे। हाँ, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा। जो करने गए हो ना वही करो, ऐसा सुर बिगाड़ेंगे ना तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे ना सड़वे गाने गाओगे, समझ गए? जाइए काम पे लगी। मैडम वो ये फाइल पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। वाह, जितना मौसम नहीं बदलता है ना उतना हमारा टिफिन बदल रहा है। अम्मा हमको लग रहा है ना पुष्पा जी को नॉनवेज अच्छा लगने लग रहा है, इसलिए वो जानबूझकर हमको ये आलू और ये दाल भेज देती है रोज। मतलब हमें कुछ करना होगा, अभी बताते हैं पुष्पा जी को। ये पुष्पा जी फोन काहे नहीं उठा रही? वैसे फोन से दूर नहीं रहती है पुष्पा जी, लेकिन अभी फोन नहीं उठा रही है, दोबारा ट्राई करते हैं। अब नहीं मैडम, आप क्यों इतना टेंशन ले रही है, मैं चली जाती हूँ ना, मैं जाके ये डब्बा एक्सचेंज करवा दूंगी। ठीक है, डब्बा ही तो है। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। बिजी होंगी ना पुष्पा जी। धन्यवाद। जय हिंद मैडम। जय।
हाँ भाई, आप सब महानुभव, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि हम कैसे चोर को पकड़ेंगे? सुनिए जी, आप संगीतज्ञ, कैसे पकड़ेंगे चोर को? वो मैडम, बैठे बैठे एक आइडिया आया तो था, लेकिन उस सीन में थोड़ा भागना था, और आपको तो पता है कि हमारा स्पीड स्लो है। भागते बहुत अच्छा हो आप, किसने कहा एक नंबर भागते हो? क्या बात कर रहे मैडम, लेकिन जिम्मेदारियों से। ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा? क्यों हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मुजरिम नहीं है जिसके जुर्म का कोई सुराग ना हो। हम आ गए मैडम जी। वो आपके कहने पे ना, हमने फिर से पता किया, उस चोर के हुलिये जैसा किसी भी इंसान का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आपने हमसे कहा था कि वो जो चोर है बाइक स्टार्ट करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। जी। हो सकता है कि वो कोई नौसिखिया हो और बिना चाबी के कैसे बाइक स्टार्ट की जाती है उसका वीडियो देख रहा हो। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यस मैडम सर। मैडम ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि वो आदमी चोरी करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। कोई भी चोर चोरी करते वक्त इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली उस वीडियो में क्या देख रहा था। संतु, हो सकता है कि वो इस वीडियो में ये देख रहा हो कि बिना चाबी के बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर ऐसा है ना मैडम, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि उस दिन इस एरिया में कौन कौन ये वीडियो ऑनलाइन देख रहा था। का बात कर रही हो संतू, जल्दी जल्दी पता लगाओ। जी, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना। मैडम सर, इस चोर को हमने धर दबोच लिया है। हमने इस चोर को अपनी काबिलियत से अपने अंदाज में पकड़ा है, वो भी आपसे पहले। कांग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, हमें आपकी काबिलियत पर ना पहले कभी शक था और ना आज है। धन्यवाद मैडम सर, लेकिन हम इसे यहाँ इसलिए नहीं लाए ताकि आपको दिखा सके कि हमने आपसे पहले केस सॉल्व कर लिया है। लग तो ऐसा ही रहा। इसे हम यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम सबको दिखा सके कि बिना मेहनत के कामयाबी पाने के चक्कर में लोग कितना गिर जाते हैं। इसका मुंह दिखाई अभी हम करेंगे, लेकिन तुमको शगुन ना बेटा, वो हमारा थाना में मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मैडम सर, ये तो वही है पत्रकार। हाँ पुष्पा जी, ये वही पत्रकार है और यही चोर है। बताओ मैडम सर को चोरी क्यों किया हमारा बाइक? मैडम सर, उस दिन थाने की अंदर की खबर लेने के लिए हम ताका झाकी कर रहे थे, तो हमारी नजर करिश्मा मैडम की बाइक पर पड़ी। हमको लगा कि अब बस करिश्मा मैडम की बाइक ही है जो हमारे करियर को रफ्तार दे सकती है। हाँ, और इन्होंने सोचा कि हमारा बाइक हमेशा के लिए गायब करके इस मुद्दे को हवा दे के बढ़ा देंगे, पुलिस फोर्स और हम पर सवाल उठाकर अपना न्यूज का चैनल अच्छे से चला पाएंगे। बेटा, बहुत गलत जगह पंगा लिया है तुमने, समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुम देखो हम अपना भौकाल तुमको कैसे दिखाते हैं। मैडम माफ कर दो प्लीज। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, जिसे मजबूत और निष्पक्ष होना चाहिए, और तुमने उसी का नाम मिट्टी में मिला दिया। माफी मांगनी है तो उन लोगों से मांगो जो तुम्हारा न्यूज चैनल ये सोचकर देखते हैं कि तुम सच दिखा रहे हो। लेकिन मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमारा बाइक चोरी हुआ था तो बाइक हमारे थाने के पीछे था। बाइक हमारे थाने के पीछे गया तो गया कैसे?
करिश्मा सिंह जिसने भी ये काम किया है वो अपने किए को लेकर बहुत शर्मिंदा है, जाने दीजिए। का शर्मिंदा है? मतलब आपको पता है वो कौन है? कौन है बताइए हमको मैडम सर, नाम बताइए उसका जो बहुत शर्मिंदा हो रहा है। अब ये गलती चंपक से हुई है। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए, इसमें सारी गलती चंपक की नहीं है। आपने शुरुआत से ही अपनी टीम को इतना डरा धमका कर रखा है, इतनी सख्ती से पेश आती हैं उनके साथ कि इन सब के मन में आपके लिए थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई और इसलिए जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चंपक ने ये छोटा सा मजाक किया। हमें लगता है कि अगर आप चंपक को माफ कर देंगी तो इन सब के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी टीम जो है और मजबूत हो जाएगी और फिर आप चुटकियों में सारे केसेस सॉल्व कर लेंगी हमसे पहले। चुटकियों में तो हम केसेस वैसे भी सॉल्व कर लेते मैडम सर, लेकिन आप चाहती नहीं है कि हम चुटकियों में केसेस सॉल्व कर लें। अगर आप चाहती ना तो ये चंपक वाला बात आप हमें उसी वक्त बता देती जब आपको पता चलता। और जहां तक बात है टीम की, तो टीम तो तभी बनती है ना जब टीम में भरोसा होता है, और चंपक ने वो भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया है। चलिए चंपक तो हमारी जिंदगी में अभी आया है, लेकिन मैडम सर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं मैडम सर हम आप पे। हाँ हम मानते हैं हम यहां से थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन मैडम सर आप तो हमेशा जज्बात का बात करती है ना, हर बात पे आपने जज्बात को ऊपर रखा है, फिर आप कैसे मैडम सर क्यों नहीं बताया हमको? जब हमारे जीतने का बारी आया तो आपने क्यों हमारा साथ नहीं दिया मैडम सर? क्यों छुपाया हमसे? केस को तो सॉल्व होना ही था मैडम सर, केस सॉल्व हो भी गया आपके बिना बताए, केस सॉल्व हो गया है, लेकिन मैडम सर उस विश्वास का क्या जो हम आप पे करते थे? करिश्मा सिंह माफ कीजिएगा मैडम सर, माफ कीजिएगा अगर हम कुछ ज्यादा बोल गए तो, लेकिन आपसे अभी एक विनती करना चाहेंगे। अब से आपको हमारे केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है ना तो हम आशा करते हैं कि आप हमें बताएंगी, हमसे छुपाएंगी नहीं, जज्बात से तो नहीं लेकिन अपने तरीके से हम उस केस को सॉल्व करना चाहेंगे जैसे ये वाला सॉल्व किया है। जय हिंद। फिर से वही बवाल, फिर से टिफिन बदल गया, फिर से हमारा टिफिन पुष्पा जी के पास, पुष्पा जी का टिफिन हमारे पास, का बवाल है ये। ए भाई जवान बहुत चलते, जवान बहुत, अरे पुलिस के सामने जवान चला। एक मिनट कौन है ये? का शाबाशी दीजिए ना। नहीं ऐसा का काम कर दिया तुमने कि हम तुमको शाबाशी दे दें? अरे केस लेकर आए मैडम, चोरी कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा पागड़ बिल्ले को। का केस? अरे लो देखिए मैडम, हमने कोई चोरी नहीं की है, देखिए ये मेरा जेब फटा हुआ था, यहाँ से मेरा पर्स नीचे गिर गया। एक मिनट छोड़ो उसे, बताइए बात कीजिए। देखिए मैडम इसमें क्या हुआ कि हमारी जेब से ये पर्स नीचे गिर गया था, और जैसे हम लेने के लिए नीचे झुके साहब अचानक पीछे से आ गए, हमको दबोच कर जबरदस्ती यहाँ लेके आए। पुलिस वाले तो क्या कुछ भी मनमानी करेंगे हमारे साथ? इल्जाम लगाता है पुलिस वाले पर? देखिए मैडम ये फिर से डरा रहे हमको, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बिना जांच पड़ताल के किसी को भी उठा लाओगे? और ऊपर से हम पर हाथ भी उठाए। हम कहा बे टोपा हो क्या? ये का तरीका ड्यूटी करने का? आपसे ही तो सीखा है मैडम। क्या कहा था हमने? पहले मुक्का और लात, बाद में जबानी बात। अच्छा तो ये असली ट्रेनिंग यहीं से आ रही है? आप ही सिखा रही है ना अपने थाने वालों को ये सब गुंडागर्दी? आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा,
अपनी टीम की तरफ से हम माफी मांगते हैं। बहुत शर्मिंदा हैं हम। ये आपका वॉलेट, आप जा सकते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। इनको सॉरी बोलो। सॉरी। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। पॉकेट सिलवा लीजिएगा। देखो ऐसा है कि पूरे लखनऊ शहर में ना हमारा है इज्जत। का है इज्जत? तो वो इज्जत, वो मान सम्मान हमको ऐसे फ्री में नहीं मिला है। बहुत काम किया उसके पीछे तब जाके हमें ऐसा इज्जत मिलता है यहाँ पे। और तुम जैसे चूरन के चक्कर में हम वो इज्जत गवाना नहीं चाहते हैं। जाइए, अपना काम कर सकते हैं आप। और हाँ रुकिए, हम ये टिफिन देने जा रहे हैं पुष्पा जी को, वापस आएंगे, उस बीच में हमको कोई फालतू बवाल नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? और हाँ एक बात और, भूलना नहीं, हम 24 घंटा तुम दोनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। कैसे मैडम? ऐसे। जाइए अपना काम कीजिए। अरे यार कब टलेगी ये बला, सोचा नहीं था कि ऐसा कभी बोलेंगे। जैसा भी था, लीचर था, कमीना था, गिरा हुआ आदमी था, मक्कार था, लेकिन ई मुसीबत से बहुत अच्छा था हमारा जीजा बुलबुल पांडे। हम तो भगवान से अब यही मनाते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस थाने में आ जाए। और उसी भगवान से हम ये दुआ मांगते हैं कि वो घड़ी कभी ना आए और ये मुसीबत हमें छोड़कर कभी ना जाए। आते हैं हम। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम। गई वो? गई? कहाँ गई? महिला थाने गई। महिला थाने? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आजकल उनका थाना यही है। ए देवी जी, कौए के मुंडेर पे बैठ जाने से मुंडेर कौए का नहीं हो जाता। ये थाना बुलबुल पांडे का था, है और रहेगा, क्या समझी? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो बे आजकल? हाँ चलो। क्या चल रहा है, दिक्कत क्या है पुष्पा जी, आप हमको ये समझाइए। काहे अदला बदली करती रहती है आप टिफिन का बार बार? अच्छा बदली हो गया? नहीं हमारे पास और काम नहीं है, हम बस पुष्पा जी के लिए आएंगे और टिफिन देंगे उनको आके। अगली बार से ऐसा हुआ ना पुष्पा जी तो बता। तो क्या क्या, हम भी तो आते हैं ना आपको आपका टिफिन देने अगर बदली हो गया हो तो। हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पुष्पा जी। क्या सही बोल रही है? कुछ भी नहीं है साहब। रॉन्ग पुष्पा जी, गलत बोल रही है। आप जानती है ना आपकी बहू कैसी है? कैसी है बोलो। मेरा मतलब है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं उनपे पुष्पा जी, आप नहीं जानती। हो गया आप अकेती दोनों का? हाँ बता रहे हैं पुष्पा जी हम आपको, सरकारी टाइम बर्बाद करने के चक्कर में आपका लाइन हाजिर हो सकता है। एक मिनट, किसे धमका रही हैं आप? आपको देखिए आप शायद भूल रही हैं कि अब आप इस थाने में नहीं हैं कि यहाँ आकर हम पर धौस जमा कर चली जाएंगी। आपको अगर ये अपना भौकाल दिखाना ही है ना तो जाके अपने थाने में दिखाइए। ये मत भूले कि यहाँ आप हमारी बहू हैं तो बहू की मर्यादा में रहिए। चली गई ना बहू घर पर है? पुष्पा जी यहाँ नहीं है हम, ठीक है? और सीनियर सीनियर होता है, आप समझ रही है बात को? देख रहे हैं बहुत घमंड आ रहा है आजकल आपको, पता नहीं किस बात का। और जो हवा में उड़ने लगी है ना आप, संभालिए, ऊपर ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा, दिक्कत आपको ही हो जाएगी। और का हमेशा के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे, आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में यहाँ पे, फिर क्या होगा उसके बारे में सोचा आपने? नहीं। तो सोचिए, चलते हैं। करिश्मा मैडम। हाँ। अब बहुत दिन हो गए साथ में लंच नहीं किया, आज आप आई हैं तो फिर साथ में बैठ के खा ही लेते ना? नहीं नहीं उन बहुत काम है हमको। हाँ काम भी है हमको और इसलिए हमें जाना है, फिर कभी आ जाएंगे, फिर खाएंगे हम साथ में। रुक जाइए करिश्मा सिंह। जैन मैडम सर। जैन, सब इतना प्यार से कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैडम सर हम जरूर रुकते हैं, क्योंकि हमारी सांस अटकी रहती है जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आपको तो पता ही होगा थाना चलाना कितना जिम्मेदारी का काम होता है। जय, खुद ही खा लीजिएगा। खुद ही खाएंगे। जय मैडम। जय। मैडम आप कहाँ जा रही है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना अंदर जाके, आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। वो आपकी जूनियर है? हाँ पुष्पा जी हमारी जूनियर है, ये बात आप उनको बोलिएगा, उनको याद दिलाइएगा कि उनकी सीनियर एसआई करिश्मा सिंह ने कहा है, ऑर्डर दिया है कि आप उनको रिपोर्ट लिखवा सकती है, बताइएगा उनको, ठीक है? जी मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे दरोगा जी देखे तो बहुत, आप सा नहीं देखा। धन्यवाद।
खाइए सैंडविच। चलो चलो पेट पूजा शुरू करते हैं। प्रथा प्रथा प्रथा। खाने की प्रथा तो बहुत टाइम से चलती आ रही है, आप बार बार क्यों याद दिला रही? वैसे आप कौन? मेरा नाम प्रथा है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। सॉरी मैं इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए प्लीज। अरे लेकिन देखिए आप अपने ना सीनियर की ऐसी ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते। कौन सीनियर? करिश्मा मैडम, मुझे बाहर ही मिली थी, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिखिए। हम उनके ऑर्डर की ऐसी की तैसी, अब तो लंच के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी, जाके वहां बैठो जाओ। देखिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं वक्त पे घर नहीं पहुंची ना तो मेरी माँ मेरी जिंदगी नर्क बना देगी। माँ आप समझती क्यों नहीं है मैडम, प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए ना। अरे एक मिनट, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? पुष्पा जी कौन है ये? पुष्पा जी वो हम पुष्पा जी है, प्रथा है ये, और ये कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। अच्छा ठीक है ठीक है, आओ आओ बैठो, बैठ कर आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है। रिपोर्ट लिखवाते क्या मैं आपके टिफिन में से कुछ खा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रोटी चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ। मैडम सर मैं भी साथ में बैठ के खा लूँ क्या, क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरे लिए बचेगा। प्रथा दीदी अभी आप घोड़े पर सवार होकर ऐसे हवा में सनसनाते हुए उड़ रही थी कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है, प्लीज सुन लो, हमसे बात कर लो, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी क्या हुआ? अभी तो बैठ के सारा संतु जी का खाना खा गई आप। सॉरी वो क्या है ना कि पिछले एक साल से मैंने रोटी नहीं खाई थी। तो रोटी दिखी तो मैं आपने एक साल से रोटी नहीं खाई तो क्या खाया फिर? सिर्फ दही चावल ही खाया। वो क्या है ना वो सफेद रंग की होती है और मुझे सिर्फ सफेद खाना ही अलाउड है। एक मिनट, खाली सफेद का है, पीला हरा भूरा नीला बैगनी सब का है नहीं? सफेद रंग की चीजों से ना बुरे ग्रहों पे असर कम होता है, इसलिए सिर्फ सफेद रंग की चीजें खा सकते हैं। क्या ये क्या बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है, मेरी माँ को यही लगता है, इसलिए तो एक साल से मैं सिर्फ दही चावल ही खा रही हूँ। बस पेट भर गया, और कुछ चाहिए? मचाई क्या है पुष्पा जी? संतु अच्छा बताओ किसके खिलाफ लिखनी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। अच्छा बताओ किसके खिलाफ लिखवानी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। तुम अपनी माँ के खिलाफ इसलिए कंप्लेंट लिखाना चाहती हो क्योंकि पिछले एक साल से वो तुम्हें सिर्फ सफेद खाना दही चावल खाने दे रही है, इसलिए? बात सिर्फ दही चावल की नहीं है मैडम, उन्होंने मेरी जिंदगी से रंग ही उतार दिए हैं। मैं अपनी पसंद के कलर के कपड़े ही नहीं पहन सकती, मुझे सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहनना अलाउड है। ये देखिए ये रेड कलर का ये टीका और ये मेरे हाथों में देखिए, और ये चिन पर जो निशान है ना हमेशा इसके साथ रहना पड़ता है। ये देखिए सोते टाइम इसे साथ में रखकर सोना पड़ता है ताकि मुझे बुरे सपने ना आए। दक्षिण की तरफ देखकर मैं सो ही नहीं सकती, उत्तर की तरफ मैं छींक ही नहीं सकती, पूरब की तरफ मैं हंस नहीं सकती और पश्चिम की तरफ मैं खा नहीं सकती। ये सब एक साल से चल रहा है मैडम, एक साल से चल रहा है और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए प्लीज। प्रथा
ये एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या? पिछले एक साल से जितने भी रिश्ते आए सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैडम सर को भी कर रहे हैं वो? तो मैं संतु बेटा, ये मामला थोड़ा अलग है और थोड़ा गंभीर है। मेरी माँ को लगता है कि मेरे बुरे ग्रहों की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए वो ये सब टोना टोटका आजमा रही है। नहीं, एक मिनट, मैंने तो सुना है कि अब शादी के बाद बुरे ग्रह शुरू होते हैं। संतु जी, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। हमारे जबलपुर वाले धुजुन भैया याद है आपको? उनका पड़ोसी बल्ली भैया पूरा जिंदगी में चूरन वाला 10 रुपया तक का लॉटरी नहीं निकला उनका, लेकिन जिस दिन शादी किए ना वो संतु जी 10 लाख का लॉटरी निकल गया उनका। तो शादी के बाद ही बल्ली भैया का बल्ला। सॉरी मैडम। देखो प्रथा, तुम एक पढ़ी लिखी नए जमाने की अच्छी लड़की हो, अपनी माँ से इस बारे में बात करो, उन्हें समझाओ कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, अंधविश्वास है, इनसे कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है मैडम, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पर अंधविश्वास की ऐसी पट्टी लगा रखी है कि अगर उन्हें कोई समझाने जाता है तो उन्हें लगता है कि वो उनका दुश्मन है। प्लीज मैडम, मेरी माँ को समझाइए कि वो ये सब कुछ बंद करे। ठीक है, हम बात करेंगे तुम्हारी माँ से, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। एक मिनट हाँ, मेरी माँ का फोन है। सवाइक, मेरी माँ ने कहा था कि सवाइक से पहले घर पर आ जाना, वरना बुरे ग्रह और भी बुरे हो जाएंगे। मैं अगर सवाइक से पहले घर पर नहीं पहुँची ना, तो मेरा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं चलती हूँ, आप प्लीज रिपोर्ट लिखा। जाओ। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम सर कि कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। बदबू कहाँ से आ रहा है? अम्मा, हमको ऐसे कहाँ लग रहा है कि चूहा कहीं मर गया है? चूहा है कहाँ? अरे मैडम, चूहा रहेगा तब ना मरेगा। पिछले ही हफ्ते इस थाने का सारा चूहा हम पकड़े हैं। अम्मा, कहाँ बदबू है ये? ढूंढो का चूहा कहाँ मर गया है? ढूंढो चूहा को। ढूंढिए छह दीजिए, खाली खड़े झूला। राजवीर, एक मिनट, वो देखिए वो कायम वहाँ पे। अरे छेदी जी, आपका मोजा पड़ा है, बताइए क्या? महाराज, लेके जाओ ये मोजा, जिसका भी बाहर लेके जाइए अभी। देखिए मैडम, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। दिक्कत है, ये का है ये? 4 दिन पहले खो गया था मैडम, मिल ही नहीं रहा था, यहाँ मिला। तो जाके बाहर फेंको ना। और लेकिन आप टेंशन क्यों लेती मैडम, अभी हम ठीक कर देते ना इसको। ये देखिए, सैलाब भी आ जाएगा ना डीओ का, तब भी ये ठीक नहीं होगा। जाइए इसको बाहर फेंक कर आइए आप, जल्दी जल्दी जाओ। अमकाऊं करके हमारा दिमाग खराब कर देते हो पूरा दिन। मैडम, बदबू खत्म हो गया है, हाथ हटा लीजिए। हाँ ठीक है, दिखाइए जरा आज का सीसीटीवी फुटेज, देखिए आज थाने में कौन आया था। कोई नहीं आया था। ये तो वही लड़की है जो हमको महिला थाना के बाहर मिली थी। मैडम, आप कहाँ जा रही है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना, अंदर जाके आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। कोई आया नहीं था पक्का? अरे मैडम, झूठ काहे के लिए बोलेंगे, कोई आता तो हम बताते नहीं क्या? छे दीजिए। ये का है? लैपटॉप। स्क्रीन पे का है? अरे हाँ, ये लड़की आई थी मैडम। मैडम मतलब एकदम दिमाग से उतर गया। मतलब यहाँ कोई आ गया चल के और आपको ध्यान ही नहीं है कि कौन आया? हाँ, हमने क्या कहा था कि हमारे पीछे से हमको कोई बकलोली नहीं चाहिए। हम वहां चले गए, हमारे पीछे से एक लड़की यहाँ आ गई और आप
काहे आई थी? अरे हमको का पता कौन आया था, क्यों आया था, हम का जाने गए, बस आई और गई। अम्मा एक लड़की चल के यहाँ आ गई, उसने कुछ तो कहा होगा अपने मुंह से, कुछ तो बात हुआ होगा। हाँ याद आया, वो आई थी और एक ही राग अलाप रही थी। हाँ। करिश्मा मैडम कहाँ है, करिश्मा मैडम कहाँ? फिर आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमारी सम्माननीय यहाँ की जो थाना इंचार्ज हैं करिश्मा सिंह जी, वो महिला थाने गई हैं, वही मिलेंगी। मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे दरोगा जी देखे तो बहुत, आपसा नहीं देखा। जाइए, सब जाइए यहाँ से। आप अम्मा का फंस गए हैं हम इन टोपा लोगों के बीच में। मतलब वो यहाँ हमको अपना FIR लिखवाने आई थी और गलती से पहुंच गई वहाँ महिला थाना। मतलब वो चाहती थी कि उसका केस हम सॉल्व करें। मैम क्या वो तो फाइल आपने मंगाई थी? हाँ ये वाली। तुम क्या खा रही हो? क्या कचौरी? गुलाब जामुन? कद्दू? लड्डू? लड्डू? लड्डू कहाँ से आए? पुष्पा जी लेकर आए, आप खाएंगे? एकदम फ्रेश है। नहीं नहीं ठीक है। सुनो ले आओ। ओके बस एक। ओके हाँ अम्मी। अपना वादा याद है ना? वादा? कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना कि आज पूरा दिन कोई भी पीले रंग की चीज नहीं खानी है तुमने। पिलौंजी बाबा ने कहा था कि अगर आज के दिन तुम पीली चीज नहीं खाओगी तो तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अम्मी ये 2021 चल रहा है, आप अभी तक। मैडम सर एकदम फ्रेश येलो लड्डू। लड्डू? पीला लड्डू? नहीं अम्मी बिल्कुल नहीं। हसीना तुम पीला लड्डू खा रही हो? लड्डू। पुष्पा जी पुष्पा और कितना खिलाइएगा? पुष्पा जी आप खाइए। अरे नहीं नहीं हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटे नहीं पुष्पा जी, और मोटे हो जाओगे। और ये भी कोई हमारी उम्र है और मोटे हो मतलब मोटे होने की? तुम देखो तो कितने पतले हो गए हो, छोटे हो तुम। खाओ जल्दी खाओ। करिश्मा मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप फिर से लगता बहुत मिस करिए इस थाने को। थाने का याद तो हमेशा आता है संतु, इस थाने से हमारा लगाव ही कुछ ऐसा है। क्या चल रहा है आज थाने में? पुष्पा जी लड्डू बनाकर लाई अपने घर से तो वो खिला रही। लड्डू? क्या बात है पुष्पा जी, किस खुशखबरी में? नहीं मतलब हमने तो आपको कोई खुशखबरी दिया नहीं और आपका उम्र है नहीं खुशखबरी देने वाला। क्या संतु तुम्हें यहाँ जलने की बदबू आ रही है? ओ मैं तो गैस पे दूध रख के भूल ही गई। उफ ये मासूमियत। जी संतु हम कह रहे हैं कि यहाँ जलने की बुआ रही कि नहीं तुम्हें, क्योंकि किसी को ना देसी घी के लड्डू बहुत पसंद है। अब खाने तो हैं और खाने के लिए नहीं मिल रहे ना, मतलब वही जलने की बू आ रही है। अब होता है भाई अपना अपना नसीब, क्या करें। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये हमारे हिस्से का लड्डू है, आप खा लीजिए, शायद आपके नसीब का था गलती से हमारे पास आ गया। कुछ और भी है मैडम सर जो हमारे नसीब का है और गलती से आपके पास आ गया है। पुष्पा जी नहीं वो आप ही कोई मोबाइल। फिर क्या? हम उस केस का बात कर रहे हैं जो हमारे पास आना चाहता था पर गलती से यहाँ पहुँचा है, वो लाल कपड़े वाले लड़की। हाँ हाँ वही ना जो यहाँ पर आकर हमारी संतु जी का सारा खाना खा गई थी। अरे हाँ 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 खाया था उसने। नहीं नहीं मगर वो केस तो हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना। हाँ उसको लगा कि हम अभी भी इस थाना में इसलिए वो यहाँ आ गई, पर वो हमारे पास आना चाहती थी तो ये केस हमारा हुआ तो। नहीं नहीं जो भी हो वो केस हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना, तो उसे तो हम ही सुलझाएंगे। पुष्पा जी वो केस हमारा है, आप FIR कॉपी दीजिए ना। केस हमारा है। FIR की कॉपी आपको नहीं मिलेगी करिश्मा सिंह, ये केस यहाँ दर्ज हुआ था तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मैडम सर आप ही ने कहा था कि फरियादी का जहाँ जिस थाने में मन करे वो उस थाने में जाके अपना कंप्लेन कर सकता है, अब आप ही ये बात भूल गए। हमने क्या कहा था करिश्मा सिंह वो अहम नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये केस आपको नहीं मिलेगा, हर बार आपकी जिद पूरी नहीं की जाएगी। जिद नहीं है मैडम सर, ये विश्वास है उस लड़की का हम पर, वो हमें बहुत मानती है, उसको लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आना वो हमारे पास चाहती थी लेकिन गलती से यहाँ इस थाना में आ गई, अगर उसे पता होता हम इस थाने में नहीं है तो वो यहाँ आती ही नहीं। मैडम सर
क्या कुछ भी कहे जा रही हैं आप? महिला थाने की पहचान मैडम सर से है, आपसे नहीं। लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैडम सर यहाँ हैं, उनकी बात सुनने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अब एक केस पाने के लिए आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हैं। नहीं नहीं, हम तो सच बता रहे पुष्पा जी, लेकिन आप सच जानना ही नहीं चाहती। सच का सूरत सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन आप है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत के नीचे सर घुसाए बैठी है। सच जानना चाहती हैं मैडम सर, आप हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए आएंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम कुछ कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं, तो चैप्टर क्लोज, हम इस केस पे आज के बाद बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो देखने के बाद आपका नजरिया बदलता है और आप कन्विंस होती हैं, आपको लगता है कि नहीं हम ये केस डिजर्व करते हैं और हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, तो आप ऑफिशियली ये केस हमको दे दीजिएगा। बोलिए मंजूर है? आप ऐसा क्या दिखाना चाहती हैं? आप आइए, आप खुद ही देख लीजिएगा। और पुष्पा जी आप भी आइए। हाँ हाँ चलिए चलिए मैडम सर, हम जाके आते हैं। मैडम सर गाड़ी आज हम चलाते हैं। मैडम सर अपने तरफ का शीशा नीचे की। करिश्मा सिंह। मैडम सर आप देखिए तो सही। फिर से उसी रास्ते पे। मैडम सर अब आप गौर से देखिएगा। अरे ये तो वही करिश्मा सिंह है ना, जिसने उस टीवी रिपोर्टर को गाड़ी के पीछे बांध के दौड़ाया था। हाँ हाँ वही कंटा पॉली। जताना क्या चाहती थी आप? वही जो आप दोनों ने अभी देखा, जब हम मैडम सर की गाड़ी से निकले, मैडम सर को देखकर लोगों की वही प्रतिक्रिया रही जो आमतौर पर किसी भी पुलिस की गाड़ी को देखकर होती है। लेकिन जब उन्होंने हमको देखा तो उनकी आंखों में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, एक सुकून था कि हमारे रहते वो लोग सुरक्षित हैं। अगर लोग मैडम सर की गाड़ी को हमारा गाड़ी समझ सकते हैं, तो मैडम सर के थाने को हमारा थाना काहे नहीं समझ सकते। और इसी उम्मीद के साथ प्रथा भी हमारे थाना में आई थी पुष्पा जी, शायद उसे भी ताबड़तोड़ इंसाफ चाहिए था, एक झटके में इंस्टेंट मिलने वाला इंसाफ। मैडम सर प्रथा ने गलती से आपके थाने को हमारा थाना समझ के कंप्लेंट लिखवा दी। अगर अभी भी आपको लगता है कि हम कोई कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर ठीक है जैसा आप कहें मैडम सर। ये पॉइंट प्रूव करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, मतलब ये केस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ये केस आपका हुआ। पुष्पा जी। जी मैडम सर। केस की सारी फाइल्स इन्हें दे दीजिएगा और बचे हुए डिटेल्स मेल कर दीजिएगा। ओहो क्या मुसीबत है ये। अरे लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे वाह आइए आइए। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही आम जनता पुलिस की सहायता करने लगे ना, तो बहुत जल्द अपने भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा। बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं आप। कोई बात नहीं माता जी। क्या है ना, जिम्मेदार नागरिक की आंखें भी चौकस होनी चाहिए। नहीं मतलब किसे माता जी कहना है, किसे दीदी कहना है, ये भी समझ में आना चाहिए ना। सॉरी दीदी, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आप भी मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, धक्का मारिए। हाँ बोली तो बोलिए क्या चाहिए। आगे करिश्मा मैडम बैठी है ना, उनके साथ एक सेल्फी दिलवा दीजिए, हम बहुत बड़े फैन हैं उनके। आगे करिश्मा मैडम नहीं बैठी है। क्या तो फिर कौन है?
संतोष शर्मा। मुझे लगा करिश्मा मैडम है। सॉरी वो तो नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ सॉरी मुझे जाना होगा। जाइए जाइए प्लीज जाइए। कैसा नालायक इंसान है ये। क्यों पुष्पा जी, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के फैंस हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम सर हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि करिश्मा जी हमारी बहू है। बुरा ये लगता है कि ये मान पहचान जो आपको मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। बुरा ये देखकर लगता है कि एक एक गलत विचारधारा को इतना समर्थन मिल रहा है। आइए आइए मारिए धक्का, बताते हैं। करिश्मा सिंह लोगों की प्रॉब्लम्स का जल्द निपटारा देती हैं, इसलिए वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। एंग्री यंग वुमन है ना इसलिए। पुष्पा जी आप कहती हैं ना कि अक्सर आपको रात में नींद नहीं आती। हाँ। तब आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, बस नींद की दवाई ले लेते हैं। जुम्बा करिए पुष्पा जी, जुम्बा। धक्का देना बंद कर दे, हम बैठ जाते हैं वहाँ, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं 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 सॉरी सॉरी। आप नींद की गोली खाती हैं ये जानते हुए भी कि ये आपकी परेशानी का मुश्ताकिल हल नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप गोली खा लेती हैं ये सोचकर कि आपकी तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। लोगों की भी यही प्रॉब्लम है पुष्पा जी, सबको अपनी प्रॉब्लम का फटाफट वाला सोल्यूशन चाहिए, जो करिश्मा सिंह करती हैं। इसीलिए लोगों को वो ज्यादा पसंद है और वो उन्हें मानते भी हैं। संतु अब ट्राई करो जरा गाड़ी चलाओ। संतोष शर्मा। अम्मा टिक्का बोलना चाह रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो मुंह में ठुसा के बैठे ना उसको थूक के आओ पहले। कोई सीनियर से बात करने का तरीका होता कि नहीं? अरे मैडम ये पैदा भी ऐसा ही हुआ था, मुंह में पान दबा के। आपसे पूछा किसी ने? बताइए। आप फाइल पर हाथ रखे कसम खाते हैं। बाय बाय। नहीं चेचा चेक। हाँ मैडम ये कह रहे हैं ना कि ये फाइल लेकर आए हैं आप। इतना जो भरतनाट्यम कोई भी किसी के सामने करेगा ना कोई भी समझ जाएगा। ठीक है ये आपके लिए चाय। धन्यवाद, बहुत जरूरत था इसका। हम आप बंद कीजिए। सब तो बंद ही है मैडम, देखिए हम आप क्या टोपा लोगों के बीच में हम आ गए हैं। अबे हो गया। प्रथा की मां कब आ रही है? करके आ रही है। देखिए हमारा बात गारंटी के साथ कह सकते कि आप प्रथा की अम्मा जी हैं। किस लिए बुलाया है आपने मुझे यहाँ? देखिए अब बोलिए आप, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। बिगाड़ना तो हम वैसे भी कुछ नहीं चाहते हैं आपका। आपका जो बिगड़ चुका है और बिगड़ने वाला है उसको सुधारने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। आपका आपकी बेटी के साथ रिश्ता, समझ रही है आप बात को? इतना बिगड़ गया है कि थाने तक आना पड़ गया है आपको। एक मिनट,
ये देख रही हैं आप, ये धागे नहीं है मैडम, ये मेरा सुरक्षा कवच है। और हाँ, आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा।